हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो ग्रेट हिमालयस में है, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में है। इसके नॉर्थ में है काराकरम रेंज और साउथ में है एक माउंटेन है जिसका नाम है जांस्कर। इसके बीच में से बहुत सारा रिवर फ्लो होते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट जो रिवर है उसका नाम है इंदास। और यहाँ पे सेफरल ग्लेशियर्स दिखते हैं, जिसमें से एक ग्लेशियर से गैंगरी ग्लेशियर्स। लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर होता है इन कारगिल एंड मोर देन 8000 मीटर इन काराकरम। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है और ड्राई होता है, बारिश बहुत कम होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा थीन है, जिसकी वजह से सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। और दिन में जो टेम्परेचर वो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, लेकिन विंटर में टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही पाए जाते हैं। ये मैप है लद्दाख का, ये जो वाइट पार्ट है ये पूरा लद्दाख है। यहाँ पे ये है कारगिल, ये जो रिवर है ये इंदस रिवर है, यहाँ से भी इसमें से फ्लो हुआ है लद्दाख की। ये है ग्लेशियर है और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये नीचे का जो दूसरा कलर दिख रहा है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, वाइट पार्ट जो है ये है लद्दाख। हिमालयस में रेनफॉल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत लो रेनफॉल होते हैं। यहाँ पे ओनली ईयरली 10 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होते हैं। इन एरियाज में सेम टाइम में सनबर्न भी होता है, सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होता है और हवा भी बहुत ही ठंडा चलता रहता है, पाँव भी चल रहा होता है और ठंडे से लोग चिकुड़ भी जाते हैं, ऐसा वाला सिचुएशन होता है हिमालयस की इस लद्दाख जो डेजर्ट है इसमें। फ्लोरा एंड फौना जो लद्दाख डेजर्ट है वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं उस बारे में पढ़ना है। ड्यू टू हाई एरिडिटी, एरिडिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ड्राई और जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है वैसा वाला जगह, इसकी वजह से क्या होता है जो वेजिटेशन होता है वो बहुत कम होते हैं लद्दाख डेजर्ट में। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रासेस, थोड़ा थोड़ा शार्प्स ही पाए जाते हैं एनिमल की ग्राजिंग के लिए। जो वैलीज होते हैं वहाँ पे दो टाइप के प्लांट्स दिखते हैं, एक है ग्रुप्स ऑफ विलोस और एक है पॉपुलर्स। पॉपुलर्स एक प्लांट है जो फर्स्टली ग्रोथ होते हैं। समर में लद्दाख में जो फ्रूट्स पाए जाते हैं वो है एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ब्लूम्स। यहाँ पे कुछ बर्ड्स का स्पेसिस दिखते हैं, जैसे रूबिन्स, रेड स्टार्स, टाइबिटन, स्नो कोक, रावन एंड होपी आर कॉमन। बर्ड्स के स्पेसिस में से कुछ बर्ड्स के स्पेसिस माइग्रेटरी होते हैं। और लद्दाख में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें से है वाइल्ड गॉड्स, वाइल्ड शीप, यक एंड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डॉग्स दिखाई देते हैं। एनिमल का देखभाल करने का, एनिमल को पालने का मेन रीज़न होता है कि एनिमल से लद्दाख में रहने वाले लोगों को मिल्क मिलते हैं, मीट मिलते हैं और एनिमल के स्किन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यक का मिल्क यूज़ किया जाता है चीज और बटर बनाने के लिए, और शीप और गोट का जो हेयर होते हैं उसे यूज़ किया जाता है ऊल बनाने के लिए। ये है डू यू नो, इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख जो है उसको खप्पासान भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, जो बर्फ़ वाला एरिया है वो कहा जाता है। उसके बाद है चिरू। चिरू को टाइबिटन एंटीलोप्स भी कहा जाता है, जो एक एंडेंजर्ड स्पेसिस है। इस एनिमल को बहुत ज़्यादा हंटिंग किया जाता है क्योंकि इसका जो ऊल है वो ऊल बहुत ज़्यादा वार्म है, वेट बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा वार्म है। और इसका जो ऊल होते हैं उसको कहा जाता है सातोश। पीपुल,
लद्दाख डेजर्ट में किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, उस बारे में पढ़ना है। लद्दाख में जो लोग रहते हैं उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो टाइबेट और सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों से मिलता जुलता है। यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं और लद्दाख में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनास्टेरीज भी दिखाई देते हैं विद देयर ट्रेडिशनल कंपास। यहाँ पे जो फेमस मोनास्टेरीज है वो है हेमिस, थिक्सी, शे एंड लामायुरु। समर सीजन में लद्दाख के जो लोग होते हैं वो बिजी रहते हैं बाली, पोटेटोस, पीस, बीन्स, टर्निप, इन सब चीज़ों को उगाने में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रहते हैं, क्योंकि विंटर में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इसीलिए लोग फेस्टिवल और सेरेमोनीज में बिजी रहते हैं। यहाँ की जो वीमेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, वो घर के काम के साथ साथ फील्ड का काम भी करते हैं और स्मॉल बिजनेस या फिर शॉप्स ये सब भी संभालते हैं। लद्दाख का जो कैपिटल है उसका नाम है लेह। लेह में ट्रैवल के लिए रोडवेज और एयरवेज दोनों अवेलेबल होते हैं। लद्दाख का नेशनल हाईवे 1A जो लेह को कनेक्ट करते हैं कश्मीर वैली के साथ थ्रू द जोजिला पास। ये है साइट में थिक्सी मॉन्स्ट्री, बुद्धिस्ट का जो मॉन्स्ट्री है वो। लद्दाख में टूरिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे टूरिस्ट इंडिया से या फिर एब्रॉड से आते हैं गैम्पोस देखने के लिए या फिर ग्लेशियर्स देखने के लिए। ये लोग लद्दाख की सेरेमोनीज देखते हैं, फेस्टिवल्स देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब भी देखते हैं। क्या करते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंजेस होते हैं, लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं वो सेंसरी से एक बैलेंस बना के जी रहा है, हारमोनी विथ नेचर। यहाँ पे जो रिसर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वाटर, फ्यूल ये सब, इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं ये लोग कोई भी चीज़ को डिस्कार्डेड या फिर वेस्ट नहीं करते हैं। इम्पॉर्टेंट डू यू नो, जो मनाली है, मनाली का ले हाईवे वो 4 पासेस को क्रॉस करते हैं, रोहतांगला, बारालासाला, लुंगालासाला एंड तांगालांगला। ये 4 पासेस को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे जो ये जो हाईवे है ये ओनली जुलाई एंड सितंबर में खुलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे स्नो नहीं होता है, रोड जो है वो क्लियर हो जाते हैं, बाकी टाइम पे ये स्नो से कवर्ड होते हैं, इसलिए रोड बंद रहते हैं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही खुलते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।